आज मेरा बजट आया और आज ही मेरा रुपया गया, इसको बजट को अच्छा कैसे माने? आप भी समझते हैं कि मार्केट डायनामिक है। यहाँ से उठ रहा हूँ इसलिए कि मुझे एक मीटिंग में अटेंड करना। जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये जो बजट है वो कहा तो जा रहा था 2047 विकसित भारत की नींव रखेंगे, लेकिन ये विकसित भारत की नींव की जगह कुर्सी बचाओ बजट बना दिया बीजेपी ने। जवाब देखिए, जो बजट को ठीक से जिसने एनालाइज किया है उसको इस बात की समझदारी जरूर होगी कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट, बहुत बैलेंस विकास वाले बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इससे हर वर्ग को फायदा होने वाला है, हर प्रदेश को फायदा होने वाला है। चल झूठा। आज देखिए फोकस जो रहा है सरकार का वो जॉब क्रिएशन पे रहा, अनप्रेसिडेंटेड, किसी सरकार ने इस तरह की स्कीम आज तक लाई नहीं जिससे इस तरह का इतना बड़ा सपोर्ट जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में होगा। 2,00,000 करोड़ का आवंटन किया गया उसके लिए और हर तरह के सुविधाएं जो है जॉब क्रिएशन के लिए किया गया है। अब आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ जो हमने बिहार और आंध्र प्रदेश, बिल्कुल गलत है। देखिए बिहार आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन आपने इस पूरे इसमें देखा होगा आज तक इतिहास में कभी किसी बजट पे नहीं हुआ जो आज इस बजट पे हुआ है कि स्टेट के साथ एक सेंटर ने जो है एक जो सपोर्टिंग आर्म्स दिया सभी स्टेट्स को। आप कहा है कि भाई आप चाहे स्टैम्प ड्यूटी हो, रैशनलाइजेशन या फिर आपको अर्बन डेवलपमेंट में किसी तरह का भी सपोर्ट चाहिए, तो आपके सरकार को मालूम है कि जो जो स्टेट्स है आगे बढ़ना चाहती है उसको सपोर्ट करना सरकार करना चाहती है। जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात होती है वो आज उसका उदाहरण इस बजट में मिला है और जो जो स्टेट चाहते हैं कि उनका उनकी उनका स्टेट प्रगति के तौर जोर की तरफ बढ़े वो उसको जो सपोर्ट जो है सेंटर से है और उसका पूरा जवाब मिला, फायदा स्टेट उठा सकती है कि आज तक सेंटर कभी स्टेट इश्यूज पे नहीं, एक मिनट सेंटर कभी स्टेट इश्यूज पे नहीं पड़ती थी, लेकिन इस तरह का सपोर्ट जो क्रिएट किया है वो अपने आप पे ऐतिहासिक है। तो जो लोग कहते हैं कि बजट में ये बजट जो बचाओ बजट है इस तरह की बातें कहते हैं वो शायद उन्होंने पूरे बजट को अभी तक पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जब समझ लेगा आलोक जी तो पूरे बजट को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। और जहां से सैयद जफर इस्लाम ने अपनी बात शुरू की थी कि जिन्होंने अब तक इस बजट को एनालाइज नहीं किया वही इस बजट के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कांग्रेस की नेता कर रहे हैं सर कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। जवाब देखिए, पूरी तरह से सबको पता है कि किस तरह से सिंहासन को बचाने के लिए बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं और उसके बाद भी कुतर्क दिया जा रहा है कि आप लोगों का इतने दिन तक शासन रहा तो बिहार पिछड़ा क्यों रह गया। अरे भाई 20 साल से तो बिहार में आपकी और जेडीयू की सरकार है। खैर, आज सिंहासन बचाओ बजट भी है और झूठ का पुलिंदा भी है। आप देखिए कि किस तरह से जो एस्टीमेट्स इन लोगों ने पहले लगाए थे और आज जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आए हैं वो सब के सब घट गए हैं। बेरोजगारी पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं ऐतिहासिक बजट। अरे ऐतिहासिक करते करते तो बेरोजगारी 45 साल के हाईएस्ट पर पहुंच गई। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सारे पुल बह गए, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं और आप लोग भी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जॉब्स की बात जॉब्स आएंगी। अरे 10 जॉब्स के लिए अभी गुजरात में 1800 लोग पहुंच गए और रेलिंग टूट गई। ये 10 साल से क्या नवाज शरीफ की सरकार चल रही थी वहां पर? गुजरात में 25 साल से आपकी सरकार है। तो ये बड़ा बड़ा चिल्ला के जो आप लोग बात करते हैं ये गलत है। बेरोजगारी की बात है, अगर आपने बेरोजगारी को इतने चरम पर पहुंचा दिया है, आज आप बेरोजगारी को एड्रेस करने आए हैं, अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर लज्जा होती तो आप कहते अग्निपथ को, हम अग्निवीर को जो योजना है उसको हम समाप्त करते हैं। अगर थोड़ी सी भी लज्जा होती तो कहते कि रेलवे में जितने भी ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, सिग्नल मैन के, बैंकों में, सरकारी नौकरियों में जो लगभग 1 करोड़ रोजगार खाली पड़े हैं उनको हम 1 साल में भरेंगे। लेकिन आप लोगों की नीयत खराब है इसलिए कभी कुछ नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लगता था कि महंगाई को कम करना है तो केवल और केवल पैरा 3 में 10 शब्द नहीं होते महंगाई के ऊपर। आप कहते कि ये फला फला टैक्स हमने कम किए, ये चीजें जीएसटी की काउंसिल को हमने रिकमेंड किए और जीएसटी काउंसिल ये टैक्सेस को कम करेगी जिससे महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है, उसको हम दूर करेंगे। बार बार चिल्लाना हमने महंगाई कम करने के लिए, अरे भाई कैसे कम होगी उसका तो नहीं बताएंगे। एजुकेशन की बात देख लीजिए, नीट के ऊपर 1 शब्द नहीं है, पेपर लीक कैसे कम होगा वो नहीं पता है। और खास तौर पर आप देखिए, एजुकेशन का बजट घटा दिया, हेल्थ का बजट घटा दिया, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स का बजट घटा दिया, सोशल वेलफेयर का घटा दिया और अभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ट्रांसफर टू स्टेट्स जो है वो भी 0.5% बजट इन्होंने घटा दिया, यहां तक कि डिफेंस का भी बजट घटा दिया। हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए ना, आपने मिनिमम वेजेस के ऊपर क्या किया इस बजट के अंदर? क्या मिनिमम वेजेस जो 6 साल से स्टैग्नेट करके आ गए हैं उसके लिए क्या किया आपने? एग्रीकल्चर का बजट घटा दिया, एग्रीकल्चर में एमएसपी की कोई बात नहीं है, एमएसपी कानूनी गारंटी देंगे और गारंटी शब्द तो पूरे इससे गायब हो गया। गारंटी शब्द मोदी की गारंटी वो पूरे चुनाव में पूरा मोदी की गारंटी चली, इस बजट के किसी कागज में मोदी की गारंटी नहीं दिखी हमें कि क्या गारंटी चलाएंगे। एजुकेशन लोन माफ करने की बात थी कि बच्चा जो है वो एजुकेशन लोन में दबा चला जा रहा है, आप और एजुकेशन लोन देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप बैंकों की ही और मदद करना चाहते हैं। तो कहीं पर भी ये जो बजट है ना, ये पूरी तरह से महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा, ना रोजगार जनरेट कर पाएगा।
हाँ इतना जरूर है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सिंहासन बचाने के चक्कर में कट एंड पेस्ट करके हमारे जो मैनिफेस्टो थे उसमें से दो चीजें आपने चुराई, लेकिन उसको भी ठीक से नहीं कर पाए। पहली नौकरी तो आप तारीफ कीजिए ना सर कि किस तरीके से पूरा माहौल बनाने के लिए और प्राइवेट सेक्टर जो है वो रोजगार के मौके बढ़ाए, इसके लिए बकायदा इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और देखिए वो एक साल वाला जो इंटर्नशिप वाला मामला है उस पर भी सरकार ने कदम बढ़ा दिया। देखिए मुझे लगता है शब्दों की बाजीगरी और मोदी जी के झूठ सुनते सुनते देश के कान पक गए। यही शब्दों की जिगलरी और बाजीगरी के मैं ये कर दूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार। तो ये मार्केटिंग करते करते इनको जो है पूरा टाइम चला गया। हम तो पूछ रहे हैं रेल के इतने हादसे हो रहे हैं, रेल बजट का भट्टा क्यों बैठा दिया आपने? हम तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं क्या रेल के डब्बे नए बनेंगे, कोई प्लान है आपका इस पूरे बजट में? रेल की पटरियों की सुरक्षा के लिए क्या कोई प्लान है आपके पास? कोई प्लान नहीं है। रेल में कोई नई रिक्रूटमेंट होगी? लगभग 30 लाख पद रेलवे में खाली पड़े हैं, क्या उसको भरने का कोई काम होगा? क्या सिग्नल रेलवे की 30 लाख नौकरियां हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर में कह रहे हैं ना हम माहौल बना रहे हैं। कह रहा हूँ कि 30 लाख नौकरियां मेरे, अरे मैम प्राइवेट सेक्टर के माहौल ने तो सुबह से ही देख लिया। प्राइवेट सेक्टर तो केवल ये चाहता है कि मोदी जी के जो मित्र हैं उनको टैक्स बेनिफिट दे दीजिए। आज जिस तरह से सेंसेक्स गिरा है, माहौल तो पूरे देश ही नहीं देख लिया, सेंसेक्स गिरा है तो प्राइवेट सेक्टर का माहौल भी पता चल गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछली बार से घट गया, जिसकी बात अभी हमारे बीजेपी के मित्र कर रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अरे भाई पिछली बार से घट गया है 0.55%। अब बात आती है कि आपको बड़ा काम करना था ना, बजट से देश को मैसेज देना था। 5 साल से बिना सेंसस कराए, बिना जनगणना कराए आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज यूपी की कितनी पॉपुलेशन है, आंध्र की कितनी है, तमिलनाडु की कितनी है, गोवा की कितनी है, उसी के आधार पर एलोकेशंस होती है मैक्सिमम। आपने क्या सेंसस के लिए कोई भी इसके अंदर प्रावधान रखा है? आपने 10 साल में कर्जा प्रति व्यक्ति बढ़ता चला गया, लोगों ने अपने जेवर गिरवी रख के लोन लिया और वो लोन के उसमें फंस के चले गए। आपकी बातों से लोन नहीं उतर रहे हैं उनके। हम पूछ रहे हैं क्या ईएमआई सस्ती होगी या महंगी होगी? आज ही रुपया डॉलर की तुलना में न्यूनतम चला गया। जिस डॉलर और रुपए की तुलना करते हुए मोदी जी कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश की सरकार भ्रष्टाचारी होती है और देश के प्रधानमंत्री की साख पैरेलल गिरती है। तो मैं पूछना चाहता हूं आज वो बजट के बाद रुपए की जो कीमत है डॉलर की तुलना में वो घटी है या बढ़ी है? डोमेस्टिक सेविंग जो हम बचत करते हैं अपनी जेब में घर में रखते हैं वो लगभग 45 साल के लोएस्ट पर है। हम पूछना चाहते हैं आपने 100 दिन का एक्शन प्लान बन गया, तैयार हो गया है, मोदी जी की गारंटी आ गई है। एबीपी न्यूज ने बड़ा बड़ा चलाया था कि 100 दिन का तो पहले इलेक्शन में चुनाव में इन्होंने प्लान बना दिया था। वो 100 दिन का प्लान कहीं आज बजट में दिखाई दिया कि वो 100 दिन का कोई प्लान भी होता है, कोई शब्द भी है पूरे बजट के अंदर के 100 दिन का क्या प्लान है? केवल वोट मांगने के लिए 100 दिन का प्लान बनता है और पूरा मीडिया उसको चलाता है और बजट में सब भूल जाते हैं उसको। हम नहीं भूलने देंगे इस बार। हम केवल ये पूछ रहे हैं 100 दिन का प्लान जो था आपका एक्शन प्लान वो इस बजट में कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीसरी चीज हम पूछना चाहते हैं, हम तो मनरेगा लाए, मिड डे मील स्कीम लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, फूड सिक्योरिटी बिल लाए, इस पूरे बजट में कहीं पर कोई एक स्कीम ऐसी है कि ये रोजगार का सृजन इस ढंग से करेगी? हम तो मनरेगा लेकर आए थे, क्या मनरेगा जैसी कोई स्कीम इसके अंदर है? क्या बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो कैसे बढ़ेगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा वो कहीं पर है? क्या इसमें कहीं पर है कि कैंपस इंटरव्यूज में किस तरह से सिलेक्शन होंगे? इसमें कहीं पर भी है कि आज जो सुसाइड रेट बच्चों का बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाएगा? आप देखिए किस तरह से कोरोना के बाद कितना ड्रॉप आउट हुआ है बच्चों का, इनके पास तो आंकड़े भी नहीं, और आज आंकड़े और रिसर्च का जो बजट है वो भी इन्होंने घटा दिया। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट का बजट भी, मेरे साथी पूर्ववर्ती कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का बजट भी घटा दिया, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का। आज केवल और केवल ये सरकार जो है किस तरह से अपने सिंहासन को बचाया जाए उसके लिए काम कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ी है तो क्या उनको रिसोर्सेज ज्यादा नहीं मिलने चाहिए? क्या अगर वहां से एमपी के सीट नहीं आए तो आप ठीक है, आपने जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ पे आप 4 घंटे के अंदर चले गए थे, लेकिन बजट में तो उत्तर प्रदेश के साथ कम से कम न्याय कर देते। क्या आज हिमाचल और उत्तराखंड ने कहीं आपको तमाम सीटें जीत कर दी है? आपने पहाड़ के क्षेत्रों के लिए पहाड़ से पलायन रुकेगा, मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे, जवानी और पलवानी पहाड़ का पहाड़ में काम आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के लिए और हिमाचल के लिए पहाड़ से पलायन रुके उसके लिए कहां कहीं पर प्रोविजन है? क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उसका कहीं पर कोई प्रोविजन कोई जिक्र है? कहीं पर कुछ नहीं है। केवल और केवल यह है कि किस तरह से देश को शब्दों के जादूगर से और तमाम अपने लोगों से बैठाकर और यह कहा जाए कि बजट बहुत बढ़िया, सब चंगासी वो 10 साल से देख रहे हैं कि क्या क्या चंगासी। आज चंगासी यह है रोज आए दिन रिपेयर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज पुल गिर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी। ठीक है सर, आपने इतने सवाल यहाँ पर पूछ लिए हैं, 30 सेकंड का समय दे रही हूँ। जफर भाई, अगर स्पेसिफिक किसी सवाल का आप जवाब दे पाए। देखिए ये जो सारी बातें उन्होंने कही है, ये जो बातें हैं इस तरह से
स्टेटमेंट देना काम रह गया कांग्रेस का, किस तरह की बातें नहीं हुई। आज आप देखिए जो हमारे बजट हमने पेश किया है, उस बजट में हर वर्गों का हमने ख्याल किया है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आप बताते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। हमने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया, जो मैक्रो पैरामीटर्स पे जिसपे आपने चरमराती इकोनॉमी बनाया था उसको हमने ठीक करके आज दुनिया में हर बात इस बात का लोहा मानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर है और तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अब तो सच बोल दे, ठीक है। हमने बार बार कहा ऐतिहासिक जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो आज इसके हर शब्द इसमें दिखते हैं कि हमने जॉब क्रिएशन के इसमें एमएसएमई में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी। अरे रुपया दुनिया में बाकी करेंसी नहीं, आज रुपया क्यों गिर गया? डॉलर क्या सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी है भारत का रुपया है। अगर बाकी आप बाकी लोग बाकी करेंसी तो देखिए किस तरह से डिप्रिशिएट करिए अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट डॉलर ही डिप्रिशिएट कर रही है, बाकी करेंसी बजट आया। लेकिन आज ही मेरा रुपया क्यों गिर गया, इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ देगा क्या? आज मेरा बजट आया और आज ही मेरा रुपया गिर गया, इसको बजट को अच्छा कैसे मानेंगे? आप भी समझते हैं कि मार्केट डायनामिक है। अगर इन्वेस्टमेंट अगर निवेश फॉरेन इन्वेस्टर्स मुझे बता रहा हूँ ना, अगर इस थोड़ा बहुत तो वोलेटिलिटी होती है, मुझे केवल बताइए मेरे देश की करेंसी आज बजट आया है, आज की रुपए की कीमत क्यों गिर गई? आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं। यहाँ से उठ रहा हूँ इसलिए कि मुझे एक मीटिंग में अटेंड करना, बस हवा निकल गई। जी सर, सर हम जानते हैं, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह कैसे रखिए, If you look at this from your side, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।